ब्रेकवर्ड एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार हम कई ऐसे शेयर डिस्कस कर रहे हैं जो बाजार के अंदर इस समय उनमें क्या करना है कन्फ्यूजन हो गई, तो उसको क्लैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। पेज इंडस्ट्रीज को लेकर भी हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि इसका आप मंथली डाटा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा शेयर कैसे चला है। ठीक बात है, जीएसटी का बेनिफिट है, जीएसटी का बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन क्या जीएसटी का बेनिफिट ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वैल्यूएशन को लेकर भी क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहा हो। हमने जब इसकी पड़ताल की तो हमको समझ में आया ये शेयर 15% तो चला लेकिन 3 महीने में, लेकिन उसके बाद ये वैल्यूएशन पे शायद टिक नहीं रहा है। इसकी वैल्यूएशन में क्या क्या पेच है, ये क्या MRF तो नहीं बनने वाला, या फिर MRF का बिल्कुल रिप्लिकेशन उल्टा दिखाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, ये पेज इंडस्ट्रीज को लेकर क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम बात कर रहे हैं कि हौजरी वाली कंपनीज को जीएसटी का बेनिफिट है, अभी क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन और प्राइस का मिसमैच हो गया क्या? बिल्कुल रिवी, देखिए MRF के विपरीत पेज इंडस्ट्रीज के केस में अब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। देखिए आप पूरे आंकड़े देखिए, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस समय हौजरी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो करीब 28,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से पेज इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप अभी 14,000 करोड़ की है। तो बेसिक आंकड़ा आपको ये कहता है कि कंपनी का 50% के करीब मार्केट शेयर होना चाहिए, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर महज 22-25% के बीच में, यानी 1/4 मार्केट शेयर होल्ड जरूर करती है लेकिन मार्केट कैप जो कमांड कर रही है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडस्ट्री कमांड कर रही है। दूसरा आंकड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि 2017 FYTD अगर आप रिटर्न्स देखें सेक्टर का, तो उसमें कहीं ना कहीं पेज इंडस्ट्रीज का एक अच्छा प्रदर्शन रहा। हाँ, रूपा ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया, 120% का हम रिटर्न दिया है 2017 में, वहीं टीटी लिमिटेड की तरफ से 63% का है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज ने भी 21% का रिटर्न दिया है इस साल के दौरान और अपने हाईस के बेहद करीब, महज 500 रुपए दूर अपने रिकॉर्ड हाई से। तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें आपको लगेगा कि शेयर काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, एक अच्छा मार्केट कैप होल्ड करती है, मार्केट लीडर है अपनी स्पेस में, लेकिन अब बात आती है वैल्यूएशंस की, कंपनी के पीई की। अगर आप पीई को कंपेयर करें, इस समय पेज इंडस्ट्री सबसे मैक्सिमम पीई कमांड करता है, 69 के मल्टीपल में ट्रेड हो रहा है, सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, और कहीं ना कहीं वही अब इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। एक रनअप आ चुका है और बहुत ज्यादा रनअप आ चुका है। दूसरी ओर रूपा, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया लेकिन पी इसका देखिए 60 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। लवेबल के केस में वेल प्लेस्ड है, करीब 22-23 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री का एवरेज पी करीब 30 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं पेज इंडस्ट्रीज और रूपा, इन्होंने रिटर्न आपको अभी तक बहुत ज्यादा दिया डिम्पी, लेकिन जिस तरह का पी ट्रेड हो रहे, जिस तरह की कंपनी के कारोबार है, फंडामेंटल्स हैं, वो अब इसके शेयर वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर आपको एक मिनट के लिए निवेशक बना दिया तो पेज इंडस्ट्रीज आप नहीं लेंगे यहाँ? बिल्कुल नहीं लूंगा, वो इस वजह से क्योंकि इसका पी महंगा हो गया है। पी महंगा हो गया है, कंपनी का कारोबार उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट कैप बड़ा हो गया लेकिन कारोबार उतना ही नहीं है बड़ा हुआ है, तो ये एक लबलबाव हमको समझ में आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज के अंदर। आप इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन ब्रेकआउट का समय हो गया है, और ये ब्रेकआउट और बड़ा ना हो जाए इसलिए आपके सामने वो शेयर भी उतार देते हैं। वो आज है 20 माइक्रोन का। एक्चुअली ज़्यादातर हम जो शेयर चुन रहे हैं ना, इस समय जीएसटी से ही चुन रहे हैं। ये जीएसटी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, कैल्शियम कार्बोनेट और भी कई ऐसी प्रोडक्ट है, क्ले, ये इस तरह की प्रोडक्ट बनाती है जो कि बड़े बेनिफिशियरी के तौर पर है इस समय इंडस्ट्री के अंदर। ये पहले करीब करीब 12-18% तक के टैक्स में आ जाते थे, अब ये 5% के टैक्स की कैटेगरी के अंदर गिरेंगे, तो एक तो बड़ा इनको मूव मिलेगा। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल कंपोनेंट जो बना रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल के अंदर ये सामान होता है, स्पेशली सीमेंट के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, एग्रोकेमिकल्स के अंदर, वहाँ पे ये सेगमेंट के अंदर है कंपनी, तो इसका फ़ायदा इसको मिलेगा क्योंकि ये स्पेस पूरा ही चल रहा है। 20 माइक्रोन के अंदर अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है, इस सारी चीज़ हमको समझ में आने के बाद ये ब्रेकआउट शेयर के तौर पर हमने आपके सामने रखा है इसको। अब आज के मान रोहित की भी राय ले लेते हैं इस शेयर पे। रोहित, आपका क्या कहना है, आपको शेयर उतना कन्विंसिंग लग रहा है जितनी हम बात बोल रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छा कन्विंसिंग लग रहा है, काफी अच्छा वॉल्यूम रिकॉर्ड स्टॉक के अंदर हम लोग को देखने को मिला। मेरे ख्याल में तो ये एक बार 44 के लेवल पे टच कर सकता है ऊपर की तरफ, तो आई थिंक एक बार आज फ्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है स्टॉक में, बट ओवरऑल टारगेट इसमें 44 करेगा। अगर कोई बेट करना चाहे तो बिल्कुल बेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लेना तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई डिप मिलती है तो बिल्कुल बाय करके चलिए, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, हमने आपके सामने दो टारगेट उतार देंगे। पहला टारगेट 46 का है, ये वैसे आज का सर्किट का लेवल भी है 4680 का। अगर आपको इमीडिएट टारगेट चाहिए तो 44 भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है, किसी डिप पे भी बाय कर सकते हैं। ये शेयर जीएसटी से जुड़ा हुआ है, बेनिफिट्स इसको मिलेगा, हो सकता है धीरे धीरे खरीदारी आए, लेकिन इस शेयर पर आप जरूर ध्यान रखें। 46 का टारगेट ये अवधि के लिए थोड़ा पोजिशनल ट्रेड, और 42 वेरी इमीडिएट होगा।
शुक्रिया आपका रोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जल्दी से रोहित की आज की सारी रिकमेंडेशन बता रहे थे जो हमने सेक्टर टू सेक्टर ली थी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रैक्टर डिवीजन में कोई शेयर देख रहे हैं तो M&M देखिए, यहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा। डेरिवेटिव्स में भी कहा कि यहाँ पे एक अच्छी बढ़त है, और हमने एस्कॉर्ट से भी एक व्यू ले लिया था कि ट्रैक्टर डिवीजन के अंदर आखिरकार इस समय क्या हो रहा है। इसके अलावा हमने उनसे कुछ और शेयर भी पूछे, उसमें उनका ऑटो एंसिलरीज में उन्होंने मदर सुमी बाय करने के लिए कहा। भारत गियर पे भी उनका रिकमेंडेशन बाय की है, तो यहाँ पर भी आप एक नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल पे उन्होंने कहा बाय करें, 600 के बाद ज़्यादा पोजीशन बना दें। आज 3:30 बजे इसके कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखें शेयर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 580 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। फार्मा में सन फार्मा उनको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ग्रेनर्स पे उनकी बाय है, ये दोनों कॉल्स हैं जो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हमने उनसे एक कभी शेयर के बारे में पूछा कि इनमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि आज का जो आप ब्रेकआउट दे रहे हैं ये भी उनको यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो सभी शेयर्स पे आपको राय मिल चुकी है, क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद डेरिवेटिव मार्केट का एक शो होगा जो कि रजत आपके सामने लेके आएंगे, और आगे की रणनीति आपको पता लगेगी। नमस्कार।